सब्सक्राइब करें समत किचन को और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी बिल्कुल फ्री में। आज हम बना रहे हैं समत किचन में दिल्ली एनसीआर की मशहूर वेज बिरयानी, जो कि यहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कटोरी बासमती राइस, जिसको कि आधा घंटे पहले अच्छी तरह से धो के और इसको भिगो दिया था, या भीग के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 कटोरी न्यूट्रीला, यानी कि सोया चंक्स, जिसको भी मैंने पानी में अच्छी तरह से बॉयल कर लिया, जिससे ये सॉफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पे है ये मटर 1/2 कटोरी, और ये है पनीर के छोटे छोटे पीसेस गार्निश करने के लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, और ये है हमारा 1 बड़ा कटा प्याज, ये है तली हुई प्याज, इसको भी हम गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे, ये है गरम मसाला 1 चम्मच, ये है पीला मिर्च, और यहाँ पे मैंने लिए हैं खड़े मसालों में है 2 तेज़पत्ते और 4 छोटी इलायची, ये है 1/2 नींबू, और यहाँ पे है हरी मिर्च, और ये है हमारा फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, और यहाँ पे है नमक। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं। वेज बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे हम न्यूट्रीला को थोड़े से तेल में पहले एक पैन में फ्राई कर लेते हैं, जिससे ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। बस अब ये फ्राई हो चुका है, हम इसको अलग कर लेंगे। पैन में 2 चम्मच तेल डाल के तेल को गर्म कर लिया है मैंने हाई हीट पे, और अब उसमें डाल देंगे ये इलायची तोड़ के डालिएगा, और ये डाल देंगे 2 पत्ते। इसको थोड़ी देर इसके साथ फ्राई होने देते हैं, अभी हाई हीट पे रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी कटी हुई 1 कटोरी प्याज, इसको तल लेते हैं इसके साथ, और प्याज को थोड़ा गुलाबी होने तक तलेंगे। प्याज हो गई, अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ भी इसको भूनेंगे। आँच को मीडियम कर लीजिए अब, और इसके साथ साथ हम डाल देंगे ये पीला मिर्च। अगर आपके पास पीली मिर्च नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, पर अगर पीली मिर्च होगी तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसमें डाल देते हैं नमक, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मसालों के साथ भून लेते हैं। गरम मसाला पाउडर भी डाल देते हैं, 2 मिनट हो चुका है अदरक लहसुन के साथ भूनते हुए। अब गरम मसाला पाउडर भी डाल लिया, और इनको हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक, इससे अदरक लहसुन की महक निकल जाए। अब मसाला हमारा भुन चुका है, हम डाल देंगे इसमें न्यूट्रीला, इसके साथ भी इसको भून लेंगे थोड़ी देर तक, मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छी तरह इसके साथ पक जाए, मिक्स हो जाए। आंच को धीमी कर दीजिए, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अब हम डाल देंगे इसमें मटर, मटर के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे चावल, और इसके साथ भी इसको भून लेंगे। डाल देंगे ये 1/2 नींबू का जूस, जिससे ये चावल खिले खिले रहेंगे। अब ये हमारे चावल हो गए हैं, हम इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि मैंने 2 कटोरी ये चावल लिए थे, तो इसी कटोरी से नाप के हम 4 कटोरी पानी डाल देंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, साइड के सारे चावल छुड़ा दीजिए। ये मैं मिर्चा डालना तो भूल ही गई, तो ये मिर्च भी हम डाल देते हैं इसको तोड़ के, और इसको आने देते हैं एक बॉयल अच्छा सा, पहले उबल जान देते हैं हाई फ्लेम पे। तो अब हम इसको 1-2 मिनट तक ऐसे ही पका लेते हैं खुले हुए हाई फ्लेम पे, और फिर इसके बाद जब इसका पानी थोड़ा बचेगा तब इसको ढाँक के रख देंगे, जिससे ये चावल पूरी तरह से पक जाएंगे। तो अब चावल इतने पक चुके हैं और इसमें थोड़ा पानी बचा है, और ये अभी काफ़ी टाइट हैं, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे इसको दम पर। तो दम पर लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई भारी तले का तवा या कोई पैन हो आपके पास, उसको पहले रख दीजिए इसके ऊपर, और उसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे ये अपना इसका बर्तन,
बिरयानी वाला बर्तन, और इसको धीमी आंच पे रख देंगे। इसको तवे को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा और फिर इसके बाद इसको रख दीजिए। अब ये बिरयानी बिल्कुल जलने का इसमें कोई डर नहीं है और ये आराम से चावल बिल्कुल 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको खोल के देखती हूँ कि ये रेडी है कि नहीं। देखिए कितनी बढ़िया भाप आ गई है और भी बिल्कुल खिले खिले हैं और ये बिरयानी रेडी हो गई। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो अब मैं वेज बिरयानी को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और उसके साथ साथ इसको गार्निश करती हूँ पनीर के टुकड़ों के साथ और तली हुई प्याज के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें समत किचन को और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी बिल्कुल फ्री में। NCR की फेमस बिरयानी को आप इंजॉय कर सकते हैं दही पुदीने के रायते और कटी हुई प्याज के साथ, जो कि इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे भी दिल्ली NCR में भी ये इसी स्टाइल में मिलती है, तो मैंने भी वही कोशिश की कि पूरा वही वाला फील आए, वही टेस्ट आए। तो बिरयानी बिल्कुल वैसे ही बनी है जैसे कि बाहर होती है, बिल्कुल उतनी ही लजीज है, बहुत यमी है, बनाने में भी आसान है। और अगर आप चाहते हैं इसमें कोई वेरिएशन करना, कोई अपनी पसंद की चॉइस की वेजिटेबल डालना, तो आप डाल सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं वो करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।